अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उकदतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। दिस इज़ शुएब हसन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NMD CAT प्रिपरेशन बाय शुएब। जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट 3 यूनिट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, आपके कम्प्लीटली PMC सिलेबस के मुताबिक हमने रिवाइज करा लिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे अल्काइल हैलाइड यूनिट नंबर 4। जिन स्टूडेंट्स ने पहले 3 यूनिट्स नहीं सुने तो वो सुन लें, और उनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप सुन के आप बेसिक कंसेप्ट आपके जब स्ट्रांग होंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिंगर टिप आएगी, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल में भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं। तो अल्काइल हैलाइड के हमने पहले दो टॉपिक कर लिए थे। व्हाट इज़ अल्काइल हैलाइड, मोनोहैलोल्केन्स क्या होते हैं, डाईहैलोल्केन्स क्या होते हैं, ट्राईहैलोल्केन्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। उसकी हमने 3 ट्रिक्स भी आपको बताई थी कि अगर स्ट्रेट चेन आ जाए तो वो प्राइमरी हो गए, अगर आइसो स्ट्रक्चर आ जाए तो उनमें से कोई ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो सेकेंडरी होगी, अदरवाइज़ वो सारे प्राइमरी होंगे। इस तरह टर्शरी में से सिर्फ एक जो स्ट्रक्चर बनती है वो टर्शरी होती है, अदरवाइज़ वो सारे न्यू जो स्ट्रक्चर होती है वो प्राइमरी बनते हैं। वो हमने आपको ट्रिक पहले बता दी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड क्या है। अल्काइल और हैलाइड दो ग्रुप हैं, एक है अल्काइल ग्रुप और एक है हैलाइड ग्रुप। अच्छा, मैंने आपको कई बार पहले बता चुका हूँ पिछले 2 यूनिट्स में कि अल्काइल ग्रुप उस वक्त बनता है जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें। अगर हाइड्रोजन एक कम कर दें तो जो न्यू स्पीशी बनती है उसको कहते हैं हम अल्काइल ग्रुप। जैसा कि मीथेन हो गया CH4, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो हमें जो न्यू स्पीशी मिलेगी तो वो बनेगा CH3, जो होगा मिथाइल ग्रुप। अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो C2H5 बनेगा, जिसको हम कहेंगे इथाइल ग्रुप। अगर प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो उसको कहेंगे प्रोपाइल ग्रुप। आई होप सो आपने अल्काइल का बेसिक कंसेप्ट आपको इल्म होगा। अगर इल्म है भी नहीं तो फिर भी मैंने आपको बता दिया कि एक हाइड्रोजन कम कर दें अल्केन में से तो जो न्यू CPC बनेगी उसको कहेंगे अल्काइल ग्रुप। अच्छा, दूसरा है हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप आपको मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में सारा कुछ बता दिया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो 7th ए ग्रुप है उसके जितने भी मेंबर्स हैं, जिसमें फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, ये सारे हैलोजन्स फैमिली हैं। हैलोजन्स फैमिली मीन्स सॉल्ट फार्मिंग फैमिली। तो अल्काइल और हैलाइड, अल्काइल को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं R से और हैलाइड को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं X से। तो RX को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अल्काइल हैलाइड दो ग्रुप पर कंटेनिंग होता है, एक होता है अल्काइल और एक होता है हैलाइड। आई होप सो आपने इसको ग्रिप कर लिया होगा कि X की जगह फ्लोरीन भी आ सकता है, X की जगह क्लोरीन भी आ सकता है, X की जगह ब्रोमीन भी आ सकता है और X की जगह आयोडीन भी आ सकता है। तो वो डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे होते हैं व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी, कि सर आपने नेक्स्ट लेक्चर कब अपलोड करना है, वी आर वेटिंग फॉर योर लेक्चर्स। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया है तो उन्होंने सब्सक्राइब तो कर दिया है, लेकिन उनके पास बर वक्त लेक्चर क्यों नहीं पहुँच रहा। इसकी रीज़न ये है कि आपने जो बेल आइकन है ना, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन होता है, तो आपने उसको प्रेस नहीं किया होगा। आप उसको प्रेस कर लें और ऑल वीडियोस पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप ऑल वीडियोस करेंगे तो जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे तो वो फ़ौरन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, जो रिएक्टिविटी होती है अल्काइल हैलाइड की, दो मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक होता है बॉन्ड एनर्जी अल्काइल हैलाइड की और एक होता है बॉन्ड पोलैरिटी अल्काइल हैलाइड की। लेकिन जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, बॉन्ड एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट्स हुए थे तो बॉन्ड एनर्जी मेन डोमिनेट कर रही थी, तो रिएक्टिविटी जो होगी अल्काइल हैलाइड की भी वो बॉन्ड एनर्जी की बेस पर हम देंगे कि अल्काइल हैलाइड कौन सा मोर रिएक्टिव है और कौन सा लीस रिएक्टिव है।
चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स पर। आपको ये पढ़ाने से पहले मैं आपको दो ट्रेंड बताने चाहूँगा कि बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखें, बॉन्ड लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। मीन्स ये कि जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी, डाउन द ग्रुप लेंथ बढ़ती जाती है ना, तो रिएक्टिविटी भी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाएगी। नंबर टू है, बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी वो रिएक्टिव कम होगा, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा। ये कैसे होगा हम इसको प्रूव करेंगे। चलते हैं बॉन्ड एनर्जी की तरफ। अल्काइल फ्लोराइड है, इसकी जब हम एनर्जी देखें किलो जूल पर मोल में तो 467 किलो जूल पर मोल है। इस तरह कार्बन और क्लोरीन अल्काइल क्लोराइड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 346 किलो जूल पर मोल, और अल्काइल ब्रोमाइड की जो एनर्जी है वो है 290 किलो जूल पर मोल, और अल्काइल आयोडाइड की जो एनर्जी है वो है 228 किलो जूल पर मोल। ये हमारी बुक में डिस्कस है और हमारी बुक में लिखा हुआ है कि अल्काइल फ्लोराइड की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो होगी 467, अल्काइल क्लोराइड की होगी वो 346, अल्काइल ब्रोमाइड में 290 और अल्काइल आयोडाइड में 228। तो देखें इसमें बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है, अल्काइल फ्लोराइड की कितनी है 467, 467 ज़्यादा है ना, 228 कम है। तो हमने पीछे एक ट्रेंड बताया आपको कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी वो लीस्ट एक्टिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्काइल फ्लोराइड लीस्ट एक्टिव हुआ, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, तो बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम होती है वो रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं। देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड शोज दैट आयोडो कंपाउंड विद द वीकेस्ट बॉन्ड वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव वन, वाइल फ्लोरो कंपाउंड विल बी द लीस्ट एक्टिव। क्योंकि आयोडो कंपाउंड्स की जो स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड की शो करती है कि ये वीकेस्ट बॉन्ड है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती गई है, डाउन द ग्रुप लेंथ बढ़ती जा रही है, तो वो जो बॉन्ड होगा वो वीकर से वीकेस्ट होता जा रहा है। तो आयोडो कंपाउंड्स की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ शो करती है कि ये मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, तो फ्लोरो कंपाउंड जो होंगे वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे। एक तो आपको ये जनरल कंसेप्ट देना कि बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो बॉन्ड एनर्जी अल्काइल फ्लोराइड की ज़्यादा है तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो नंबर ये दो कंसेप्ट आपने ये भी देना है कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्यों आयोडो कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो वो वीकेस्ट बॉन्ड है, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी वो भी रिएक्टिव ज़्यादा होगा। तो अल्काइल आयोडाइड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो रिएक्टिव ये ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपने ऑर्डर याद रखना है, अल्काइल आयोडाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड देन अल्काइल क्लोराइड एंड एट द लास्ट अल्काइल फ्लोराइड। आपने इस ट्रेंड को याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू जो भी बनते हैं ना इसी में से पूछेगा, इस टॉपिक में से कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव या विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव, इसी में से एमसीक्यू बनते हैं तो आपसे वो पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी कंसेप्ट आपको हम बाद में भी देते रहेंगे, लेकिन इधर मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक होते हैं बॉन्ड नॉन पोलर, एक होता है बॉन्ड पोलर। नॉन पोलर बॉन्ड कौन सा होता है, ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो होता है 0.0 से लेकर 0.4 तक, और पोलर बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से 1.7 तक हो। जब हम अल्केन को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उधर सारा एग्जाम्पलीफाइड किया था कि अल्केन क्यों नॉन पोलर है, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 2.5, क्योंकि अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनता है या कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनता है तो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आएगा, 2.5 माइनस 2.5 करेंगे तो 0.0 आएगा ना, तो 0.0 कौन सा होता है, नॉन पोलर बॉन्ड होता है। इस तरह कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालें, 2.5 में से 2.1 को माइनस करें तो 0.4 आता है, तो 0.0 से लेकर 0.4 वाले कौन से होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। अच्छा, दूसरा होता है पोलर बॉन्ड, 0.4 से 1.7 जो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाए तो वो कौन से होंगे, पोलर बॉन्ड। कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। फ्लोरीन पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है 4.0, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो हम आपको बताएंगे इसको प्रूव करके, द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन एटम्स इन अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो अल्काइल फ्लोराइड में कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, कितना है, ये है 4.0 फ्लोरीन की, और जो कार्बन की है वो है 2.5। तो अगर इनका हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ने 4.0 से 2.5 माइनस करें
तो यह था 1.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रेंड्स कार्बन और फ्लोरीन अल्काइल फ्लोराइड में कितना है 1.5। अगर कार्बन और क्लोरीन मिले ये 3.0 है और ये 2.5 है, इसको अगर हम माइनस करें तो यह आता है 0.5। तो इसमें कार्बन और अल्काइल फ्लोराइड में 1.5 है, अल्काइल आयोडाइड में 0.5 है। अगर हम अल्काइल ब्रोमाइड का लें 2.8 माइनस 2.5 करें तो 0.3 आता है, तो अल्काइल ब्रोमाइड में 0.3 है। तो सबसे ज़्यादा किस में है 1.5 अल्काइल फ्लोराइड में, अल्काइल क्लोराइड में 0.5, अल्काइल आयोडाइड में 0.3 और अल्काइल आयोडाइड में 0.0 होगा, क्योंकि कार्बन की भी 2.5 है और आयोडीन की भी 2.5 है। तो अगर हम इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालें तो ये 0.0 आएगा। तो बुक में लाइन लिखी हुई है द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन एटम्स इन अल्काइल फ्लोराइड, ये हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है अटैकिंग रिएजेंट तो वो ये शो करेगा अल्काइल फ्लोराइड वुड बी मोस्ट रिएक्टिव वन। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना वो मोस्टली अटैक करता है उस रिएजेंट पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हो। तो देखें उसने बुक में भी ये लाइन रखी है कि इफ़ एन इलेक्ट्रोफाइल इज द अटैकिंग रिएजेंट देन दिस डिफरेंस शोज दैट अल्काइल फ्लोराइड वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव व्हाइल अल्काइल आयोडाइड शुड बी द लीस्ट रिएक्टिव। क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी ज़्यादा है तो ये मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने वाला है और अल्काइल आयोडाइड लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता, तो आपने बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी में मिक्सअप नहीं करना। अगर वो पूछे बॉन्ड पोलैरिटी के ट्रेंड के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, तो आपने कहना है अल्काइल फ्लोराइड और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हुआ अल्काइल आयोडाइड। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करने वाला है तो ये शो करेगा, यही सजेस्ट करेगा अल्काइल फ्लोराइड वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव। बट एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी इज द मेन फैक्टर्स विच डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल आयोडाइड। बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से तो अल्काइल फ्लोराइड मोस्ट रिएक्टिव है, बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से तो अल्काइल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव है, इधर अल्काइल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव है और अल्काइल बॉन्ड पोलैरिटी में अल्काइल फ्लोराइड मोस्ट रिएक्टिव है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्स हो रही हैं। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो एक्सपेरिमेंट से हमें ये मिला कि बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना वो मेन फैक्टर होती है विच डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ एन अल्काइल आयोडाइड। तो ये जब बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बुनियाद पर हम देखते हैं तो अल्काइल आयोडाइड वुड बी मोस्ट रिएक्टिव, फिर होगा अल्काइल ब्रोमाइड, फिर होगा अल्काइल क्लोराइड और एंड में होगा अल्काइल फ्लोराइड। आई होप सो आपने इस ट्रेंड को भी याद रखना है, ये वही ट्रेंड है जो बॉन्ड एनर्जी के केस में था। 3 क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म करेंगे ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज डोमिनेटिंग फॉर डिटरमाइनिंग द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल आयोडाइड, ये बॉन्ड एनर्जी है हमने पहले बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पोलर फ्रॉम द गिवन, ये अल्काइल आयोडाइड होगा क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.0 है, अल्काइल ब्रोमाइड में 0.3 है, अल्काइल क्लोराइड में 0.5 है और अल्काइल फ्लोराइड में 1.5 है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो अल्काइल फ्लोराइड में सबसे ज़्यादा होगा तो ये मोस्ट पोलर होगा और लीस्ट पोलर कौन सा होगा अल्काइल आयोडाइड। लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव फ्रॉम द गिवन, ये अल्काइल आयोडाइड होगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, जो बॉन्ड एनर्जी डोमिनेटिंग फैक्टर है तो वही बताएगी। तो बॉन्ड एनर्जी के मुताबिक जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, अल्काइल आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है तो ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, इसलिए आंसर क्या हुआ डेल्टा। आई होप सो आपने इस पॉइंट को क्लियर कर लिया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।